नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठवीं बार आज बाबा केदार के द्वार पहुंचे हैं। उनके आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर पहुंचे। बाबा केदार को नमन कर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान भी किया था। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री खास ड्रेस में भी दिखाई दिए हैं। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। पिछले एक साल में ही 41 लाख यात्रियों ने चारधाम यात्रा भी की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं, वे सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया है। और इसके बाद पीएम गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली दो नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करने वाले हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस पहने हुए नजर आए हैं और इसे चांबा की एक महिला ने अपने हाथ से बनाया है। पीएम मोदी के हाल ही में हिमाचल दौरे पर उन्हें ये गिफ्ट भी की गई थी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं केदारनाथ पहुंचे हैं और यहां पर कई ट्वीट भी किए जा रहे हैं जिसको लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के बीच एक वीडियो भी शेयर कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पिछले एक साल में 41 लाख यात्रियों ने चार धाम की यात्रा की है। 15 लाख यात्री बद्रीनाथ पहुंचे, जबकि 14 लाख केदारनाथ और वहीं 6 लाख यात्रियों ने गंगोत्री और 5 लाख यात्रियों ने यमुनोत्री में पूजा की है। बता दें आपको कि केदारनाथ पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। वहीं मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भी पीएम मोदी की यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिर परिषद में सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। तो अगली खबर आपको बता दें हरदोई से है, जहां पर हरदोई में बिजली करंट की चपेट में आकर दो किसानों की जलकर मौत हो गई है। दोनों बाइक पर सवार होकर खेत पर काम करने जा रहे थे और ये दोनों टूटी पड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए और जिससे दोनों की जलकर दर्दनाक मौत बताई जा रही है। घटना में बाइक जलकर खाक हो गई है। घटना को लेकर परिजन बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर करंट लगने से ही दो किसानों की मौत बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। थाना मल्लावा का मामला है। आज 10:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति विनीत और चुन्नी, जिनकी उम्र क्रमशः 20 साल और 58 साल है, यह अपने खेत पर जा रहे थे और योगेश के खेत के पास 11,000 वोल्ट की लाइन जो कि गिर गई, इसकी चपेट में दोनों आ गए। दोनों झुलस गए और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जनपद श्रावस्ती के समस्त ग्राम पंचायतों की महिला मेटों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र सौंपा है और मांग पत्र देने पहुंची महिला मेटों ने ही एकत्र होकर नारेबाजी की है और मांग पत्र की मांग ना पूरी होने पर अनिश्चितकालन जो धरना है वो देने की भी चेतावनी दे दी है। हालांकि महिला मेटों के नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर कलेक्ट्रेट में मौजूद मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर महिला मेटों से ज्ञापन लिया और जल्द ही निस्तारण करने का भरोसा दिया है। आपको तस्वीरें के जरिए हम दिखा दें कि किस तरह से महिलाएं एकत्रित हुई हैं और श्रावस्ती में जो जमकर नारेबाजी भी की गई है और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर
ज्ञापन भी सौंपा गया है। 3 सूत्रीय मांग थी जिनको लेकर मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है और इसके साथ ही महिलाएं आक्रोशित भी नजर आई हैं और हाथों में पोस्टर लिए महिलाएं ग्राम पंचायत की महिलाओं ने पत्र जो है वो सौंपा है और इसके साथ ही वहां पर प्रदर्शन भी किया है और भारी संख्या में महिलाएं नजर आई हैं। हम लोग महिला मैच की मांग करने आए हैं। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम पूनम देवी है, ग्राम चनौड़ा तराई पोस्ट जोखा बाजार ब्लॉक सिंसिया जिला श्रावस्ती की मैं रहने वाली हूँ और महिला मैच पर कार्यरत हूँ और मैं पद से जिला प्रवक्ता हूँ। मैं यहाँ डीएम साहब से ये मांग करने आई हूँ कि हम लोग को मासिक मानदेय दिया जाए। 330 रोज का दे रहे हैं तो उसी को जोड़ कर हमको महीने का दिया जाए। जो दिहाड़ी देते हैं तो 10 दिन काम चलता है, 20 दिन काम नहीं चलता। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में मजदूरी के रुपए मांगने पर दुकानदार ने दलित समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट की है, जिसके बाद गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो गया। और आपको बता दें कि JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती परिजनों ने गिरफ्तारी के लिए वहां पर थाना दिल्ली गेट पर जाम भी लगाया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन लगातार हंगामा कर रहे थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि अलीगढ़ से खबर है जहां पर दलित समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और जिसके बाद से ही परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों को सजा दी जाए और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आक्रोशित जो लोग हैं वो नज़र आए हैं। और वहाँ पर अलीगढ़ की घटना हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और जहाँ पर मारपीट करने के बाद जो परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित नज़र आए। अगली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में इंडियन आर्मी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उत्तराखंड के चंपावत से लखनऊ इंडियन आर्मी की बस जा रही थी और राजपुताना रेजिमेंट की बस में एक दर्जन से ज़्यादा जवान जो थे वो सवार थे। सड़क हादसे में 4 जवान बुरी तरह से जख्मी हुए और सभी घायलों को जो जवान घायल हुए थे उन्हें CHC माधव टांडा भर्ती करवा दिया गया। गंभीर रूप से घायल इंडियन आर्मी के 2 जवानों को जिला रेफर भी कर दिया गया है जिला अस्पताल में। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पूर्ण नुपुर तहसील इलाके माधव टांडा क्षेत्र की खारजा नहर के पास की ये घटना बताई जा रही है जहां पर घायल जवानों को अब जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इंडियन आर्मी की वो बताई जा रही है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी की बस अनियंत्रित होकर पलटी थी, ये जानकारी सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जो है पलटी हुई है और जो आर्मी के जवान थे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। बाहर निकालने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसके बाद उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि पीलीभीत की घटना है जहां पर इंडियन आर्मी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई और जिसके बाद घायल जवान हो गए और जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बमुश्किल उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया और गाड़ी से बाहर निकालने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मौत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। मुश्किल से ही जवानों को वहां गाड़ी से बाहर निकाला गया था और जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर अभी इलाज जारी है। खबर शाहजहांपुर से है जहां पर SOG और थाना सदर बाजार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने रिहायशी इलाके में ही चल रही ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जिसमें मिठाई के पटाखों में ही डिब्बों में जो मिठाई के डिब्बे थे उसमें पटाखों की सप्लाई हो रही थी और पुलिस ने 2 मकानों में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। और यही नहीं, पुलिस ने इस गोरख धंधे में शामिल 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ ही अवैध पटाखों और बारूद को जब्त कर सील भी कर दिया है। तो शाहजहांपुर की आपको घटना बता रहे हैं, त्यौहार का समय है और इस समय जो तस्करों की मामले सामने आते हैं और मिठाई के डिब्बों में जो सप्लाई की जा रही थी और इसके साथ ही आपको बता दें कि मिठाई के डिब्बों में जो सप्लाई किए जा रहे थे उसमें बम थे और 12 कुंटल अवैध पटाखों की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 12 कुंटल पटाखे जो थे उसके साथ ही बरामद हुए हैं बारूद भी
और यहाँ पर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर की नगीना पुलिस ने ही मुठभेड़ के दौरान 3 छात्र बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंका और एक सिपाही के हाथ में लगी गोली और जिसके बाद से ही सिपाही घायल हो गया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते हुए चलाई गई 2 बदमाशों के गोली लगने की खबर सामने आई थी। दोनों घायल भी बताए जा रहे हैं और घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। आपको फिर से बता दें कि नगीना थाना इलाके के हरेवी पाग पर यह मुठभेड़ हुई थी, जहां पर मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही जो बदमाश थे, कुछ बदमाश घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि बिजनौर की घटना है, जहां पर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आपको बताते चले कि बिजनौर की घटना है, जहां पर नगीना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किए थे और बिजनौर में ही पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ चली थी, उसके दौरान ही 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंका था और एक सिपाही इसमें उसके हाथ पर गोली लगने की घटना भी सामने आई है कि सिपाही भी इसमें घायल हुआ है और जब जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की है, उस दौरान गोली बदमाश को भी लगी है और 2 बदमाश जो हैं इसमें घायल भी हो गए हैं। घायलों को वहां पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बिजनौर की घटना बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।